जय स्वागत है आप लोग को मेरे YouTube चैनल पे डिफेंस 93। दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर भर्ती का दिन, मैं थोड़ा बिजी होने की वजह से डेट वाइज नहीं बता सका, इससे माफ़ करिएगा। मैं अभी ला रहा हूँ, टोटल स्टेट का कब भर्ती है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। और आप लगे जुड़े रहे हमारे चैनल से, आपको हर एक अपडेट जो आर्मी से रिलेटेड हो या किसी तरह का भर्ती से रिलेटेड हो मैं 100% दूंगा आप लोगों को। और किसी तरह का जानकारी चाहिए आप इंस्टाग्राम पे पूछिए, मैं 100% दूंगा, बस आप लोग के लिए एनी टाइम तत्पर जाए हाजिर रहता हूँ। और दोस्तों थोड़ा अभी बिजी होने से नहीं डाल पाए, और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे सर की रनिंग के प्रति, ये तो आप देखो भाई जो तरह का हर चीज़ का वीडियो मैं बना नहीं सकता हूँ, बहुत ज़्यादा का डिमांडेड रहता है सर इस पर बनाओ, मैं नहीं बना सकता, मैं भी थोड़ा बिजी, शेड्यूल टाइमिंग है मेरा। तो आप कोशिश करिए, लगे रहे जुड़ी, पूरे वीडियो को देखिए अंत तक, आपको समझ में आएगा, क्योंकि स्किप करके ना देखें, स्किप करने से फिर आपको भी दिक्कत होगा, ठीक है। आप पूरी जानकारी, क्योंकि मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी होती नहीं है, ठीक है। पहला हम देते हैं यूपी का, जो उत्तर प्रदेश है इसका 27 अप्रैल से स्टार्ट है, ठीक है, 27 अप्रैल को स्टार्ट है। और किस ग्राउंड में है वो भी मैं बता देता हूँ, ये ईगल ग्राउंड में है, ठीक है, ईगल ग्राउंड में है, आगरा जो मथुरा रोड में है, ठीक है, मथुरा गेट, ये चीज आप ध्यान रखें। दूसरा में है आपका बिहार, बिहार का टाइमिंग है 2 मई को, 2 मई 2020 से स्टार्ट है यहाँ पे, आप देख लीजिए, BMP 3 ग्राउंड में है इसका, आदर किएगा। और आपका झारखंड में 5 अप्रैल को है, झारखंड में 5 अप्रैल को है, आप कोशिश करिए कि मोराबादी स्टेडियम में है, इसमें दोनों चीज का, आर्मी का भी और पैरासा दोनों के साथ साथ बहालिए, ठीक है। चलिए दिल्ली कैंट में है, दिल्ली को 27 अप्रैल को भी यहाँ भी है, दिल्ली कैंट में, दिल्ली कैंट एरिया जो है वहाँ पे ग्रीन्स ग्राउंड है जो आर्मी का, उसमें भर्ती है पैरा सब की, दिल्ली कैंट 27 अप्रैल को है। राजस्थान और पंजाब ये दो बहालियाँ साथ में होगी, वो भी 16 अप्रैल को होगी। आप दोनों का एग्जैक्ट मैं लोकेशन नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा मुझे जानकारी नहीं मिल पा रहा किस जगह पे है, लेकिन दोनों का एरियाज मैं बनाऊंगा अलग से, स्पेशल मैं जहाँ कहाँ कहाँ कौन सी भर्ती है वो मैं वीडियो बना दूंगा, बट आज मैं डेट वाइज बता देता हूँ, जहाँ जहाँ मेरे को अवेलेबल हो रहा है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। राजस्थान और पंजाब जो है वो 16 अप्रैल को है, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ को 11 मई को स्टार्ट है, छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट्स और कैंडिडेट हैं 11 मई को स्टार्ट रखें, 11 मई को जो है वो हमारा छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का। हिमाचल प्रदेश का जो हमारे बीच में है, हिमाचल प्रदेश का 16 अप्रैल में, ठीक है, 16 अप्रैल को आप तैयार रहे, 16 अप्रैल को भर्ती है, ये मैं सिर्फ अभी टाइम बता दे रहा हूँ, जो ग्राउंड होगा वो ग्राउंड का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आपका उत्तराखंड का जो कैंडिडेट लोग हैं, जो हमारे दोस्त भाई लोग हैं उत्तराखंड के, 12 मई को स्टार्ट है, आप ध्यान रखिए यहाँ पे 12 मई को चले जाएंगे, राजकोट में जो हो रही है उत्तराखंड, राजकोट आर्मी कैंट वाला जो एरिया है वही पे आपका होगा, ठीक है। आपका आज महाराष्ट्र में 21 अप्रैल को है, महाराष्ट्र जो है हमारा 21 अप्रैल को है, ठीक है। आप ध्यान रहे कि ये जितने तरह के मैं टाइमिंग जो बता रहा हूँ वो एग्जैक्ट 100% वही टाइम रहेगा, ठीक है। उड़ीसा जो है 8 मई को है, उड़ीसा का आप टाइमिंग देख लीजिए, उड़ीसा को 8 मई को होगा, आप गौर करें, ठीक है। बंगाल 29 मई को है, 29 मई में आपका बंगाल की भर्ती होगी। और हरियाणा जो है 9 अप्रैल को है, ठीक है, 9 अप्रैल को आप रेडी रहें, हरियाणा के जितने भी कैंडिडेट हैं 9 अप्रैल को रेडी रहें, 29 मई को आपका फिर बंगाल, फिर मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कहाँ का किसकी है, ठीक है। यूपी 27 अप्रैल को है, लिख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश 27 अप्रैल, बिहार 2 मई, झारखंड में 5 अप्रैल को, दिल्ली कैंट में 27 अप्रैल को, राजस्थान और पंजाब दोनों एक साथ 16 अप्रैल को है, छत्तीसगढ़ में 11 मई को है, हिमाचल प्रदेश में 16 अप्रैल को है, उत्तराखंड में 12 मई को है, महाराष्ट्र में 21 अप्रैल को है, उड़ीसा में 8 मई को है, बंगाल में 29 मई को है, हरियाणा में 9 अप्रैल को, जितना तरह का मैं बोला ये डेट वाइज आप देख लीजिए, चेकआउट करके मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आप स्पेशली आ जाए, और नहीं आए तो मैं बता रहा हूँ उस डेट में आपको बहाली होगी, आप हल्के में ना लें, पैरा सब की भर्ती है, ठीक है। इसकी मैं शेड्यूल टाइमिंग बता दिया था कि कैसे क्या लेना है, 100 पॉइंट मारने के बाद आपको 1605 किलोमीटर का रनिंग जो 20 मिनट के अंदर कंप्लीट करने होते हैं, 1 मिनट में 40 पुशअप्स मारने होते हैं, 2 मिनट में आपको 80 उठक बैठक मारने होंगे, ये 100 पॉइंट के बाद, 100 पॉइंट आने के बाद आपको ये कैटेगरी आना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर लगता है कि मैं इसका स्पेशल वीडियो बनाए तो आप हमको बताइए क्या है रनिंग और फिजिकल के प्रति, अगर बोलिएगा तो मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अपडेट रहे, मैं 100% आपको जानकारी दूंगा, और वीडियो को शेयर ज्यादा करें, लाइक जरूर करें, ठीक है। जय हिंद।